Subscribe our YouTube channel and press the bell icon to never miss an update from CGPSC eGyan. Visit our website visualcard.com to get complete video series. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शारदा। सीजीपीएससी ई ज्ञान में आपका स्वागत है। हम जैसे कि आपको पता है राष्ट्रीय पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय की बहुत सारी अवधारणाएं हैं, जिसको मैंने आपको पहले ही बता दिया था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि अपना क्या है नेक्स्ट, विशुद्ध घरेलू उत्पाद। विशुद्ध घरेलू उत्पाद मतलब आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या होता है? ये जो है एक देश के सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य में से स्थिर पूंजी के उपभोग अथवा मशीनों एवं कल पुर्जों के घिसावट व्यय को निकाल देने से जो शेष राशि बचती है उसे ही विशुद्ध घरेलू उत्पाद है। मतलब यहाँ पे जीडीपी है, जीडीपी में से जो है आप किसको हटा दोगे? उपभोग, पूंजी के उपभोग अथवा मशीनों एवं कल पुर्जों के घिसावट व्यय। जीडीपी में से जो है आपका मशीनों एवं कल पुर्जों के घिसावट व्यय को हटा देने से, जो है निकाल देने से, जो भी राशि बचती है वही अपना क्या है? एनडीपी है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा भी है एनडीपी बराबर आपको क्या मिलेगा? एनडीपी इक्वल टू जीडीपी माइनस डिप्रिशिएशन। डी का यहाँ पे मीनिंग क्या है? डिप्रिशिएशन, यानी कि मूल्यह्रास। इनको मशीनों एवं कल पुर्जों के घिसावट व्यय को हटा देते हैं। किसमें से? एनडीपी ज्ञात करने के लिए जीडीपी में से डी को घटा देते हैं। ठीक, ये हुआ आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो है मार्केट, मतलब बाजार कीमत के आधार पर उसको ज्ञात करेंगे, मार्केट प्राइस। यानी कि एनडीपी एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में क्या है आपका? जब एनडीपी के मूल्य को बाजार में प्रचलित कीमतों के आधार पर मापा जाता है तो उस माप को बाजार कीमत पर विशुद्ध घरेलू उत्पाद बोलते हैं। यानी कि किस पे बाजार कीमत, मार्केट प्राइस का मतलब ही हो रहा है कि अपने को किस पे निकालना है एनडीपी को? मार्केट प्राइस के बेस पे निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? मार्केट एनडीपी को जो है, एनडीपी को मार्केट प्राइस में पता करने के लिए क्या करेंगे? एनएनपी मार्केट प्राइस माइनस एनएफआईए। एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है। मैं आपको आगे इसके बताऊंगी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। इसमें जो है एनएनपी में से जो है एनएनपी मार्केट प्राइस जो होता है उसमें से आपको एनएफआईए माइनस करना पड़ेगा। एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट है और एनएफआईए क्या है आपका? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक, ये है आपका क्या? मार्केट प्राइस। इसका जो है देखो, एनडीपी हमने मार्केट प्राइस देख लिया था, अब एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में देखेंगे। फैक्टर कॉस्ट मीन्स क्या? साधन लागत पे। साधन लागत में जो है मैं आपको एक चीज बता दूं, साधन मतलब उत्पादन के साधन क्या है? भूमि, श्रम, पूंजी। और साधन आय मतलब क्या है? ब्याज, लाभ, लगान, ये सब क्या है आपका? साधन आय। ठीक, इसमें क्या है आपका एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में? एक देश में एक लेखा वर्ष में उत्पादन के विभिन्न साधनों को देश की घरेलू सीमाओं के अंतर्गत जो सकल आय प्राप्त होती है उसे ही एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। किसका? एक लेखा वर्ष में, एक लेखा वर्ष में उत्पादन के विभिन्न साधनों को। उत्पादन के बहुत से साधन होते हैं, मैंने अभी आपको बताया पूंजी, श्रम। ठीक, वो घरेलू सीमाओं के अंतर्गत जो सकल आय प्राप्त होती है उनसे, सकल आय मतलब आपका पूंजी, लाभ, ब्याज के रूप में जो भी प्राप्त होती है उसे ही जो है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। क्या है इसका डेफिनेशन, मतलब इसका अगर सार निकाले तो क्या है? एनडीपी फैक्टर कॉस्ट इक्वल एनएनपी फैक्टर कॉस्ट माइनस एनएफआईए। एनएफआईए का मैंने आपको मीनिंग बता दिया था। ठीक है, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट किस पे निकल रहा है? एनडीपी फैक्टर कॉस्ट किसके बेस पे निकल रहा है? एनएनपी फैक्टर कॉस्ट माइनस एनएफआईए से निकल रहा है। देखिए एनएनपी क्या है? एनएनपी के बेस पे तो निकल गया ये एनडीपी मार्केट प्राइस, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट तो निकल गया। तो आपको ये बता दूं एनएनपी क्या है। एनएनपी मीन्स विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कैसे? विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी किसी देश की जो है घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में उसके सामान्य निवासियों द्वारा अंतिम उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के शुद्ध मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का योग होती। उसमें सिर्फ घरेलू सीमा होती थी। ठीक है, इसमें जो है क्या है आपका? घरेलू सीमा के अलावा जो है आपका शुद्ध मूल्य है किसका? वस्तु एवं सेवाओं का, प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का योग भी है। ठीक, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का भी योग है। जैसे कि आप देख सकते हैं एनएनपी, एनएनपी क्या है? एनएनपी इक्वल टू जीडीपी माइनस डी। जीडीपी माइनस डी, डी का मतलब मैंने बताया है डिप्रिशिएशन, मूल्यह्रास जिसे कहते हैं। ये क्या है आपका? जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से जो है आप डिप्रिशिएशन को माइनस जब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? जी एनएनपी मिलेगा। ठीक, एनएनपी एट मार्केट प्राइस। अगर हमको एनएनपी मालूम करना है तो हम उसको मार्केट प्राइस पे निकालेंगे। तो एनएनपी मार्केट प्राइस इक्वल टू जीएनपी मार्केट प्राइस माइनस डी। जीएनपी मार्केट प्राइस माइनस डी की। ठीक, वैसे ही एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो जीएनपी फैक्टर कॉस्ट माइनस डी। क्या हो रहा है? मतलब
जीएनपी आपका यहाँ पे मेन है, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, उसी में से जो है डिप्रिसिएशन को हटा रहे। अगर मार्केट प्राइस ज्ञात करना है तो मार्केट प्राइस में जो है जीएनपी मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन, एंड फैक्टर कॉस्ट में अगर आपको पता करने हैं तो जीएनपी फैक्टर कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन। ठीक, नेक्स्ट अपना निजी आय है, प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम मीन्स क्या? एक लेखा वर्ष में निजी क्षेत्र को सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय से है। निजी क्षेत्र को साधन आय, निजी क्षेत्र के साधन आय में क्या क्या शामिल है? अपने लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ, ये सारी चीजें किसमें शामिल है? आपके साधन आय में। तथा हस्तांतरण आय, जिसको बोल के सकते हैं क्या, ट्रांसफर इनकम के रूप में प्राप्त होती है। मीन्स एक वर्ष में जो है निजी क्षेत्र को जितने भी उसके स्रोत होंगे, ठीक, उससे जो प्राप्त होती है आय, उसे जो है निजी क्षेत्र को जो है साधन आय और हस्तांतरण आय के रूप में क्या बोलते हैं, प्राप्त होती है। ये जो भी उसको निजी क्षेत्र से जितने भी रिसोर्सेस होंगे उससे वो जो प्राप्त होती है वो क्या है, उसका प्राइवेट इनकम है। प्राइवेट इनकम निकालने के लिए क्या है इसका फॉर्मूला, देखिए, निजी क्षेत्र को घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय, निजी क्षेत्र को घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय प्लस सरकार से चालू हस्तांतरण भुगतान प्लस शेष विश्व से शुद्ध चालू हस्तांतरण प्लस राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, ये सारी चीजों को इंक्लूड किया जाता है जिससे हमारा प्राइवेट इनकम निकल आता है। क्लियर? नेक्स्ट है अपना व्यक्तिक आय, पर्सनल इनकम। डिफरेंस समझिएगा प्राइवेट इनकम एंड पर्सनल इनकम में। ओके, देखिए पर्सनल इनकम आपका क्या है? पर्सनल इनकम मीन्स वो जो देशवासियों का वास्तव में आय होती है, देशवासियों का वास्तव में जो है प्राप्त होती है, वही आपका क्या है, पर्सनल इनकम है। पर्सनल इनकम निकालने के लिए क्या करेंगे, राष्ट्रीय आय, क्या आपका राष्ट्रीय आय किसमें, फैक्टर कॉस्ट में, राष्ट्रीय आय एट फैक्टर कॉस्ट में माइनस निगमों का अवितरित लाभांश, माइनस निगमों का अवितरित लाभांश, माइनस निगम कर, माइनस सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए किए गए जो भुगतान है वो, प्लस क्या होगा आपका, प्लस में होगा आपका सरकारी हस्तांतरण भुगतान, और क्या होगा प्लस में, व्यापारिक हस्तांतरण भुगतान। क्लियर? पीआई निकालने के लिए, पर्सनल इनकम निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, राष्ट्रीय आय एट फैक्टर कॉस्ट माइनस निगमों का वितरित लाभांश माइनस निगम कर माइनस सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए किए गए भुगतान प्लस दो चीजें क्या जोड़ रही है, सरकारी हस्तांतरण भुगतान प्लस व्यापारिक हस्तांतरण भुगतान। क्लियर? ये आपका प्राइवेट इनकम एंड पर्सनल इनकम है। नेक्स्ट है अपना प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटल इनकम। पर कैपिटल इनकम क्या है आपका, एक देश की किसी वर्ष विशेष में औसत आय को ही प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। किसको? औसत आय को ही, किसी एक वर्ष में औसत आय को ही आपका प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या। राष्ट्रीय आय को किससे डिवाइड करेंगे, जनसंख्या से। ठीक, ये आपका क्या हुआ, पर कैपिटल इनकम। नेक्स्ट आपका वास्तविक आय, वास्तविक आय मीन्स रियल इनकम। रियल इनकम क्या, वो तो पर कैपिटल इनकम हो गया, ये क्या आपका रियल इनकम। रियल इनकम में आपका क्या होगा, यदि किसी वर्ष को आधार वर्ष मानकर, किसी कोई वर्ष है उसको हम आधार वर्ष मानकर उनकी कीमतों के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की, राष्ट्रीय आय की गणना की जाए, राष्ट्रीय आय की गणना की जाए तो वास्तविक आय प्राप्त की जा सकती है। मीन्स आधार वर्ष, जैसे कि अभी क्या है हमारा आधार वर्ष 2011-12 है, अगर हम उस आधार वर्ष को आधार मान लेते हैं तो उसके आधार पर जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाएगी वो हमारा क्या होगा, वास्तविक राष्ट्रीय आय होगा। ठीक, वास्तविक राष्ट्रीय आय यानी कि रियल इनकम आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मौद्रिक शुद्ध राष्ट्रीय आय अपॉन वर्ष का वर्ष जो कीमत निर्देशांक है, वर्ष का कीमत निर्देशांक मतलब उस वर्ष का जो कीमत निर्देशांक होगा वो लिखना है, और ऊपर आपका क्या रहेगा, मौद्रिक शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद इंटू 100 इंटू क्या करना है आपको, 100। रियल इनकम इक्वल टू क्या होगा, मौद्रिक शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन अपॉन वर्ष का कीमत निर्देशांक इंटू 100। ठीक, देखिए स्टूडेंट, ये आपका राष्ट्रीय आय से संबंधी अवधारणाएं पूरी यहीं पे कंप्लीट होती है। इसके आगे हमारा जो भी है नेक्स्ट टॉपिक, या तो बेरोजगारी रहेगी या तो निर्धनता। ठीक है, अगर स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम CGPSE eGyan. Visit our website visualcard.com to get complete video series.